हेलो किसान भाई, सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि गेहूं की फसल में जो एनपीके, उनका कौन कौन से एनपीके का किस टाइम पे प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि जो एनपीके 19-19 है उसका प्रयोग कब करना चाहिए, या एनपीके 052-34 है उसका प्रयोग हमें कब करना चाहिए, या एनपीके 0050 है तो उनका हमें जो तीन जो एनपीके हैं उनके हमें प्रयोग कब करना चाहिए, क्या इसकी सही समय पीरियड है, क्या इसकी सही मात्रा है, और अगर हम इसका प्रयोग करते हैं क्या इससे लाभ होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे जो युवा किसान भाई ने अभी जल्दी किसानी स्टार्ट करी है, जो खेती करना स्टार्ट करी है, तो उन तक हमारी जानकारी पहुँच सके, वो अच्छी अपनी फसल से पैदावार ले सके। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाइयों की जो एनपीके का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए हमारी गेहूं की फसलों में। किसान भाई, जैसे कि हम अपनी कोई भी फसल करते हैं तो उसके जो लिए उसके लिए जो हमारी फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास या अन्य जो खादें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक है, लेकिन एनपीके जो है वो हमारी कुछ फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है, क्योंकि बिना एनपीके के हम कोई भी फसल से अच्छा पैदावार नहीं ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं पहले कि एनपीके 19-19 का प्रयोग हमें कब करना चाहिए। तो पहले मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि एनपीके 19-19 का प्रयोग कब करना चाहिए, क्या इसकी सही मात्रा है, लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ इन तीनों एनपीके का सही प्रयोग। तो मैं किसान भाई आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि जब हम पहली सिंचाई कर देते हैं उससे करीब एक हफ्ते के बाद, यानी कि एक वीक के बाद आप एनपीके 19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि 35 से 40 दिन के बाद, या 30 से 35 और 40 दिन तक आप अपने एनपीके 19-19 का प्रयोग करेंगे तो आपको अपनी गेहूं की फसल में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बताना चाहूँगा कि एनपीके 19-19 में क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा एनपीके 19 में नाइट्रोजन होता है 19%, फास्फोरस होता है 19%, और 19% पोटास यानी कि पोटेशियम होता है। इनको हम क्यों डालते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, जब हम गेहूँ की बुआई करते हैं, गेहूँ की जुताई करने का, जब हम गेहूँ की बुआई करते हैं उस समय पर हम खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ हमारी ज़मीन होती है उसमें कभी भी खाद की डिफिशेंसी हो जाती है, कहीं नाइट्रोजन की डिफिशेंसी हो जाती है, फास्फोरस की या पोटास की, तो जिस समय जो गेहूँ की जो पैदावार होती है, जो हमारी टिलरिंग होती है वो कम होती है, तो उस समय पर हमारी जो भी डिफिशेंसी रह जाती है तो हम एनपीके 19-19 का प्रयोग कर देते हैं तो वो डिफिशेंसी हमारी पूरी हो जाती है। उसमें क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी बनेगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा और हमारा जो तना होगा वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। तो आपको एनपीके 19-19 का प्रयोग करना है किसान भाई, जो आपकी गेहूँ की फसल 35 से 40 दिन की हो जाती है और पहली सिंचाई के बाद एनपीके 19-19 का प्रयोग कर देते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं किसान भाई एनपीके 052-34 का प्रयोग कब करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा एनपीके 052-34 का दूसरी सिंचाई के एक वीक के बाद आप कर सकते हैं। एनपीके 052-34 में किसान भाई हमें क्यों प्रयोग करना है, तो पहले बात मैं आपको बताना चाहूँगा किसान, जो हमारी गेहूँ की फसल हमारी जब 40 से 45 दिन की होती है तब हम दूसरी सिंचाई करते हैं, उस समय पर कुछ हमारे किसान भी गलती करते हैं कि नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का प्रयोग करते हैं। उससे ये होता है कि हमारी बर्बाद तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हमारी जो दर होती है वो निकल कर काफ़ी कम आती है, क्योंकि किसान भाई आपने देखा हो कि हमारी जो फसल थी कहीं पर ऊँची नीची दिखाई देती है, तो उसका यही रीज़न होता है क्योंकि सही तरीके से बढ़वा नहीं हो पाती, कहीं पे फास्फोरस और पोटास की कमी रह जाती है, जिस वजह से हमारी जो गेहूं होती है वो एक बराबर नहीं देखने को मिलता है, उसका जो तना होता है कमज़ोर रह जाता है और जड़ें सही तरीके से विकास नहीं कर पाती हैं, तो ऐसा भी रीज़न देखने को मिलता है। तो किसान आपको जब दूसरी सिंचाई करना है उससे एक वीक के बाद आपको एनपीके 052-34 का प्रयोग करना है। एनपीके 052-34 में नाइट्रोजन तो होता नहीं है, जैसे फास्फोरस और पोटास जो कि हमारी उस समय पर काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक होती है, काफ़ी हमारे किसान भाई को पता है, लेकिन कुछ हमारे नए किसान भाई उनको नहीं पता है कि इस समय पर नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं होता है हमारी गेहूं की फसल में। तो आपको इस समय पर जब आप दूसरी सिंचाई कर रहे हैं उसके एक वीक के बाद एनपीके 052-34 का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं कि एनपीके 0050 उसका प्रयोग हमें कब करना चाहिए। किसान भाई, जैसे कि हमारी गेहूँ की फसल है या कोई भी अन्य फसल कर रहे हो तो उसके लिए एनपीके 0050 उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। जो फल वर्गीय फसलें होती है उनमें फलों के आकार को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, और जो हमारे दाने वर्गीय फसलें होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इसका महत्व। बात करते हैं किसान भाइयों, कुछ हमारे किसान भाई जो हमारी गेहूँ की फसल में तीसरी सिंचाई करते हैं उसके बाद में पोटास का प्रयोग करते हैं, MOP पोटास का प्रयोग करते हैं, तो किसान मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जब आप तीसरी सिंचाई करने के बाद हमारी गेहूँ की फसल 70 से 80 दिन या 50 दिन की हो जाती है, उस समय पर हमारे किसान भाई तीसरी सिंचाई करते हैं उसके बाद में MOP पोटास का प्रयोग करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा MOP पोटास एक महीने के बाद में अपना कार्य करना शुरू करती है, यानी कि 20 से 25-30 दिन के बाद अपना कार्य शुरू करती है, लेकिन जो ये वाटर सोलेबल जो फर्टिलाइजर NPK 0050 ये अपना कार्य 20 से लेकर 48 घंटे में अपना कार्य स्टार्ट कर देता है, यानी कि 12 से लेकर 24 और 24 से लेकर 48 घंटे अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है। तो किसान भी आप NPK
0050 का सही समय का प्रयोग है वो आपको 70 से 75 दिन के बाद, जो हमारी गेहूँ की फसल आपने देखा हो कि 70 से 75 दिन की हो जाती है, उस समय पर दाना बनना यानी कि जो बाली होती है वो निकलने गबोज अवस्था में आ जाती है, निकलने को होती है, तो उस समय पर आप NPK 0050 का प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट, जो हमारी बाली निकल कर आएगी उसकी साइज, उसका साइज एक समान होगा और उसमें जो दाना होगा वो काफ़ी ज़्यादा चमकीला वजनदार मोटा होगा, जिससे हमारी जो दर निकल करके आएगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि किसान भाई जो NPK जो 0050 है वो हमारे दाना वर्गीय में दाने के साइज को बढ़ाने में, आकार को मोटा करने में, चमकीला करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं, जिससे कि आपको पहले से ही पता है। इस तरीके से किसान भाई आप अपनी गेहूँ की फसल में NPK का प्रयोग करते हैं, जो मैंने आपको बताया सीरियल वाइज सीरियल, तो आप अपनी गेहूं की फसल से कम लागत में कम समय में अच्छा पैदावार ऐसे करके ले सकते हैं, आपका समय भी कम लगेगा और आपकी लागत भी कम लगेगी और आप पैदावार भी अच्छा निकल करके लेंगे। तो उम्मीद करता हूं किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया, तो हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो हमारी बातें सभी युवा किसान भाई तक पहुँच सके, वो हमारी अपनी फसल से अच्छा पैदावार ले सकें। तो किसान भाई अगर आपको कोई सवाल है, कोई भी डाउट है गेहूँ की फसल से रिलेटेड, कब हमें सिंचाई करना है, कोई भी आपका सवाल, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका जो सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा।